आज इन कैरम की गीटियों की मदद से हम पूर्णांकों का योग करना सीखेंगे। मान लीजिए हम कैरम की काली गीटियों को नेगेटिव इंटीजर्स मान लेते हैं और कैरम की सफेद या पीली गीटियों को हम पॉजिटिव इंटीजर्स मान लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक सम है -3 + 4। -3 + 4, -3 क्योंकि कैरम की काली गीटियां माइनस वाली संख्याओं को दर्शाती हैं, इसलिए 1, 2 और 3 तीन काली गीटियों से हम -3 को दर्शा सकते हैं और +4 के लिए हम 4 सफेद गीटियां यहां पर रखेंगे। अब यह हमारे पास सवाल आ गया -3 + 4, अब हमें इसको हल करना है। हम एक काली गीटी और एक सफेद गीटी दोनों को एक साथ बाहर निकाल देंगे, फिर से एक काली गीटी और एक सफेद गीटी इनको बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से एक बार और से काली गीटी और सफेद गीटी इनके जोड़े को बाहर निकाल देंगे, लेकिन अब बाहर निकालने के लिए हमारे पास काली गीटी नहीं है, यानी एक रंग चाहे वो काला हो या सफेद, इस केस में काला रंग यहां से हट गया है। तो अब जो इस बोर्ड पर हमारे सामने बचा वो है हमारा उत्तर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास केवल एक सफेद गीटी बची। सफेद गीटी का मतलब प्लस वाली संख्या, पॉजिटिव इंटीजर। तो प्लस कितनी गीटियां बची हैं? एक। तो +1 यानी कि -3 और +4, इसे हल करके हमें प्राप्त हुआ है +1। इस प्रकार से कैरम की गीटियों का अलग अलग तरह से प्रयोग करके हम पूर्णांकों के जोड़ और घटाव को बड़े आसानी से खेल खेल में सीख सकते हैं।